आ गया। मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। मैं नहीं जानती मेरे भाग्य में फिर उसका मुख देखना लिखा भी है कि नहीं, इसीलिए एक बार मुझे उस झरोखे से देख लेने दो। मैं चाह कर भी तुम्हें उस झरोखे तक नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है देवी, बहुत दूर है। कैसी माँ के हृदय की परीक्षा ले रहे हो, कैसी परीक्षा ले रहे हो। यदि भगवान पर विश्वास करती हो तो उसकी शक्ति पर भी विश्वास करो। देख नहीं रही ये कितना बड़ा चमत्कार है। कंस की नगरी में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार बाहर आग देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा, अब वो कंस भैया के पास जा रहा है, जाने वो क्या करेंगे।